नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। एशिया कप में टीम इंडिया का दूसरा मैच नेपाल के साथ है। यह मैच भी कैंडी स्थित पल्लिकेला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ ड्रॉ रहा था। भारत का टॉप ऑर्डर फेल रहा, कोहली, रोहित, गिल और श्रेयस अय्यर ने निराश किया। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच बारिश के कारण रद्द हुआ। टीम इंडिया के अंक तालिका में एक अंक हो गए हैं, जबकि नेपाल को पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। नेपाल का कोई अंक नहीं है। भारत के खिलाफ जीत कर ही नेपाल सुपर चार में जा सकती है, और अगर ऐसा उलटफेर हुआ तो भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, और अगर मैच रद्द भी हुआ तो भारतीय टीम सुपर चार में पहुंच जाएगी। टीम इंडिया के सतर्क रहने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि नेपाल की गेंदबाजी ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शुरुआत दिलाई थी। वो तो बाबर और रजवान और फिर इफ्तिकार अहमद की पारी ने टीम को विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया। टीम इंडिया की शानदार बल्लेबाजी लाइनअप है, लेकिन पहले मैच में टॉप ऑर्डर फेल रहा था, जो चिंता का विषय रहेगा। नेपाल की बल्लेबाजी पहले मैच में पूरी तरह फ्लॉप रही थी। पाकिस्तान ने नेपाल को 104 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। बेशक भारत का पहला मैच टॉप ऑर्डर फेल रहा, लेकिन ईशान किशन, हार्दिक पांड्या ने मिडिल ऑर्डर में आकर 138 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में लेकर आई। भारत पहले मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाई, तो गेंदबाज किस लय में है ये नेपाल के खिलाफ नजर आएगा। वैसे इस मैच में भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। दोनों टीमें बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतर सकती है। नेपाल की संभावित प्लेइंग 11 है कुशल बुर्तेले, आशिफ शेख, रोहित कुमार, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह एडी, कुशल मुल्ला, संदीप लामिक्षने, करण केसी, ललित राजवंशी। टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 है रोहित शर्मा, सुमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। तो क्या लगता है आपको, कौन इस मुकाबले को अपने नाम करेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।